हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रज्ञा सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ लेट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट सर्च इंजन। फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, देखिए सर्च इंजन नाम से समझ में आ रहा है। पहले तो सर्च तो सबको ही पता है, सर्च यानी कोई चीज़ ढूंढना, और इंजन यानी ऐसी चीज़ जो कि ढूंढने में मदद करती है, वो क्या है, इंजन है। जैसे किसी गाड़ी का इंजन, जब तक इंजन नहीं होगा तो कोई गाड़ी चलेगी नहीं। इसी प्रकार एक सर्च इंजन होता है हमारे इंटरनेट पे, जिसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे कि आपने बहुत ही कॉमनली नाम सुना होगा गूगल। गूगल क्या है, हमारा एक नॉर्मल सर्च इंजन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सर्च इंजन क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर के द्वारा कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, वेब ब्राउजर की। ठीक है, अब वेब ब्राउजर में आप किसका यूज़ करते हो, किसी न किसी सर्च इंजन का यूज़ करते हो। डायरेक्ट तो सर्च इंजन नहीं यूज़ कर सकते, आप कहाँ जाते हो, अपने वेब ब्राउजर पे। आपके पास वेब ब्राउजर से गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इस तरीके के कोई भी वेब ब्राउजर हो सकते हैं। तो आप किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद कहाँ जाते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं, और सर्च इंजन की मदद से आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया फेसबुक। ठीक है, तो जब आप फेसबुक सर्च करते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जब आप फेसबुक सर्च करते हैं तो उसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी बता चुकी हूँ मैं कि अगर आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो बेसिकली वो चीज़ कहाँ जाती है, आपके ट्रिपल डब्ल्यू में जाती है, यानी एक सेंट्रल हब के पास जाती है, और सेंट्रल हब के द्वारा आपकी कोई सी भी वेबसाइट सर्च होती है। यानी वो सेंट्रल हब क्या करता है, बेसिकली जितनी भी आपकी वेबसाइट है उनके सर्वर के एड्रेस रखता है, और फिर उसी ट्रिपल डब्ल्यू के द्वारा हम किसी ना किसी वेबसाइट पर पहुँचते हैं। फाइन, तो क्या होता है कि गूगल सर्च इंजन है वो बेसिकली क्या करता है, आप कोई भी चीज़ जब सर्च करते हो तब वो सर्च करके सबसे पहले तो कहाँ जाता है, वो ट्रिपल डब्ल्यू के पास। अब ट्रिपल डब्ल्यू के पास एवी है ना, एवी सर्वर के अंदर रखे हुए वेब पेज का कलेक्शन है, जितनी भी वेबसाइट है उनका इसके पास क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली गूगल सर्च इंजन क्या करता है, फेसबुक से रिलेटेड फेसबुक सर्वर पे जाएगा। आपको सर्च करना है फेसबुक, तो बेसिकली वो ट्रिपल डब्ल्यू के बाद कहाँ जाएगा, फेसबुक सर्वर पे जाएगा। अब फेसबुक सर्वर जो है उसमें एक वेबसाइट तो होगी नहीं, या एक ही वेब पेज तो होगा नहीं। आप खुद जानते हो फेसबुक अपने आप में कितनी बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, यानी कितना सारा मटेरियल, कितना सारा डेटा उस फेसबुक में स्टोर है। ठीक है, तो जैसे कि आप फेसबुक सर्च करते हो तो ऐसा तो नहीं कि फेसबुक का एक ही वेबसाइट हो या एक ही वेब पेज हो, उसके पास कई सारे मल्टीपल वेब पेज या वेबसाइटों का कलेक्शन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया अभी कि आप अपने सिस्टम पे क्या वेब ब्राउजर पे जाते हैं, जब तक कि मैं ये वेब ब्राउजर ओपन नहीं करूँगी मैं इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकती। मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया, वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट मेरे को, आप सभी जानते हो क्रोम जो है वो गूगल कंपनी का ही है, गूगल क्रोम, तो वो गूगल जो है मुझे सर्च इंजन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। इस तरीके के सर्च इंजन होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स आप यूज़ करोगे तब भी सर्च इंजन का यूज़ करोगे, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते होगे तब आप देखते होगे एक बिंग नाम का सर्च इंजन आता है। ठीक है, आप चाहो तो पर्टिकुलर ब्राउजर के जो सर्च इंजन है उनका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने मन से किसी भी वेब सर्वर का किसी भी सर्च इंजन का यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल का मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पे क्या बताया आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया फेसबुक है ना, आपने फेसबुक सर्च किया, तो बेसिकली आप जब अपने से ब्राउजर पे या अपने गूगल सर्च इंजन पे फेसबुक लिखते हो तो ये आपका गूगल सर्च इंजन क्या कर रहा है, ये कनेक्ट हो रहा हुआ है आपके ट्रिपल डब्ल्यू से, और ट्रिपल डब्ल्यू से कनेक्ट होने के बाद ये फेसबुक सर्वर से कनेक्ट हुआ है। अब देखिए facebook.com, यहाँ पे देखिए फेसबुक से रिलेटेड कई सारी वेबसाइट्स ओपन है, जैसे कि facebook.com। अब ऐसा नहीं कि फेसबुक अकेला सिंगल काम करता हो, वेबसाइट आपस में लिंक भी रहती है एक दूसरे से, कई प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं जो कि फेसबुक से रिलेटेड होंगी। तो अब फेसबुक से फर्स्ट मैंने सर्च किया तो फेसबुक से रिलेटेड देखिए मेरे पास कितने सारे पेज ओपन हो गए, देखिए कितनी सारी लिंक दिख रही हैं आपको। देखिए लिंक क्या होता है वो मैं बाद में बताती हूँ। देखिए ये फेसबुक का दिख रहा है, फिर नीचे आती है तो देखिए फेसबुक इंग्लिश यूएस का है, फेसबुक टच दिख रहा है, फेसबुक फॉर बिजनेस, लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन पेज है। फिर मैं और स्क्रॉल डाउन करती हूँ, देखिए ट्विटर से रिलेटेड फेसबुक @फेसबुक ट्विटर है। ठीक है, फेसबुक से रिलेटेड स्टोरीज हैं,
ये भी एप्लीकेशंस ऑन गूगल प्ले पे, फेसबुक की कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, अबाउट फेसबुक। तो यदि आपने फेसबुक सर्च किया है तो उससे रिलेटेड कितने सारे पेज आपके सामने ओपन हो गए। ये किसने ओपन किए? गूगल सर्च इंजन ने। तो गूगल सर्च इंजन ने इतने सारे पेज आपके सामने लेकर आया है, अब इतने सारे पेजों में से आपको जिसकी भी आवश्यकता है आप उस पेज को ओपन कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही पेज हैं जो आपको सामने देख रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने सारे नंबर है, 2। यदि आप सेकंड पर सर्च करते हैं तो और भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पेज आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखो कितने सारे दे रखे हैं यहाँ पे, 8, 9, 10। आप 10 नंबर पे जाएंगे तो 10 नंबर से रिलेटेड, देखिए फेसबुक से रिलेटेड है सारे के सारे, जितने भी जो आपको लिंक दिख रही है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, सारे के सारे फेसबुक से। ठीक है, तो गूगल सर्च इंजन ने क्या किया, फेसबुक से रिलेटेड यानी फेसबुक वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी जगह है वहां पर वो पहुंच गया। अब वो कैसे पहुंचा ये आइए मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब भी गूगल गूगल सर्च इंजन पे अपना फेसबुक से रिलेटेड या कोई सी भी वेबसाइट लिखते हैं तो बेसिकली वो कहाँ गई, पहले www में फेसबुक से रिलेटेड जितने भी वेब पेज है, मैंने आपको क्या बताया, ये डेटाबेस का कलेक्शन है www। ठीक है, तो फेसबुक से रिलेटेड जितने भी वेब पेज हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं जो फेसबुक से रिलेटेड है वो सब इसने अपने पास रख रखी है, उनका सबका एड्रेस इसके पास स्टोर, यानी सबके लिंक इसके पास स्टोर है। तो google.com क्या करता है, सॉरी मतलब जो आपका गूगल सर्च इंजन है वो क्या करेगा, फेसबुक से रिलेटेड जितने भी पेज हैं उन सबके पास आपका गूगल सर्च इंजन पहुंच जाता है। ठीक है, अब वो कैसे पहुंचता है मैं आपको बता दूँ। ठीक है, गूगल सर्च इंजन बेसिकली हेतिक सॉफ्टवेयर, आप सभी जानते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सारे काम होते हैं, और ये भी जानते हो कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है। सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अगर कोई पूछता सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी कई सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन है। जैसे आपने अभी HTML के प्रोग्राम देख लिए, तो आपने HTML का एक एक प्रोग्राम करके एक एक वेब पेज बनाया। ठीक है, तो जब आप इन पूरे वेब पेजों को जोड़ दोगे तो एक तरीके से एक वेबसाइट बन जाएगी। इसी प्रकार कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम बनते हैं, उन प्रोग्राम को जब हम कलेक्ट कर देते हैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब गूगल सर्च इंजन में आपका क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसके जो कि कई सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूज होने वाले प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्पाइडर। ठीक है, यानी जो आपका सर्च इंजन है, सर्च इंजन एक स्पाइडर प्रोग्राम का यूज करता है। अच्छा, ऐसा नहीं मैं केवल गूगल के बारे में बता रही हूँ, जितने भी आपके सर्च इंजन है सबके बारे में बता रही हूँ कि वो सर्च इंजन जो आपके सॉफ्टवेयर है सर्च इंजन के, उन सब सर्च इंजन में जो प्रोग्राम यूज होता है वो प्रोग्राम क्या यूज होता है, स्पाइडर। ठीक है, और स्पाइडर आप सब जानते हो, स्पाइडर यानी मकड़ी। ठीक है, तो जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी के क्या होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा मकड़ी होती है इस तरीके से, उसके हाथ पैर होते हैं और वो क्या करती है, पूरे जाल में क्या होती है, ऐसे पूरे जाल को ऐसे पकड़े रहती है। ठीक है, पूरे जाल को ऐसे पकड़े रहती है। इसी तरह से आपका गूगल सर्च इंजन है वो क्या करता है, जब भी आपका वो www के पास जाते हैं, उसको जितने भी FB से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट या वेब पेज मिलेंगे उन सब वेब पेज पे वो एक स्पाइडर की तरह क्या होगा, इस तरीके से सब दूर फैल जाएगा। ठीक है, यानी आपका गूगल सर्च इंजन देखा जाए तो पूरे www के वेब पूरे www में फैल जाता है, और फैलने के बाद वो जितने भी FB से यानी फेसबुक से रिलेटेड जितने भी वेब पेज या वेबसाइट है उन सबको आपस में क्या कर देता है, कलेक्ट कर देता है। ठीक है, वो क्या करेगा, पूरे इस पे फैल जाएगा, पूरे www में फैल जाएगा, और www में फैलने के बाद वो क्या करेगा, मतलब स्पाइडर की तरह एक तरीके से पूरा जाल बना देगा इसके ऊपर, और फिर फेसबुक से रिलेटेड जितने भी वेब पेज हैं उन सबको क्या करेगा, कैच कर लेगा, यानी जितने भी वेब पेज हैं उन सबको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। और कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेगा वो, अब इन फेसबुक में से इनके क्या वो फाइंड आउट करते हैं, यानी सॉरी जितने भी वेबसाइट को इनसे कलेक्ट किया फेसबुक की, है ना, या अन्य किसी भी वेबसाइट, या फेसबुक में उदाहरण देकर चल रही हूँ, तो जितने भी वेबसाइट उनको क्या क्या कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद अब वो क्या देखता है, रैंक देखता है। ठीक है, कि कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है, तो जिसकी भी रैंक हाई होती है तो रैंक वाइज वो क्या कर देता है, पूरे आपके डेटाबेस को अरेंज कर देता है, यानी एक इंडेक्स तैयार कर देता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई, वो क्या करेगा, पूरे वेब पेज को जितने भी फेसबुक से रिलेटेड वेबसाइट सारी के सारी कैच कर लेगा, यानी सारे के सारे वेब पेज को कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करने के बाद उनका एक इंडेक्स तैयार करेगा। इंडेक्स कैसे तैयार करेगा, रैंक के आधार पर, जिस वेबसाइट को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है वो सबसे पहले दिखती है, फिर उसके बाद
अकॉर्डिंगली, यानी जो उससे कम सर्च की जाती है वो सेकंड, फिर उससे भी कम सर्च की जाती है वो थर्ड नंबर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कितने सारे वेब पेज उसने फेसबुक से रिलेटेड मुझे ओपन करके दे दिए थे, ठीक है। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि एक ही वेब पेज पे दिख रहे हो, उसके बाद नीचे देखिए 1 2 3 4 कितने सारे नंबर थे, 10 तक नंबर थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट भी था। तो जितने भी वेबसाइट से रिलेटेड वेब पेज हैं या वेबसाइट्स हैं, सॉरी फेसबुक से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट या वेब पेज हैं, उन सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करके उनका क्या बनाता है, एक इंडेक्स बनाता है, और इंडेक्स बना के रैंक के हिसाब से, इंडेक्स कैसे बनाते हैं, रैंक के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा सर्च की जाती है वो सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे कम खर्च सर्च की जाती है वो सबसे लास्ट में। तो इंडेक्स तैयार करके वो आपके सामने क्या कर देता है, शो कर देता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी एग्जाम्पल में, प्रैक्टिकल करके दिखाया था फेसबुक का। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।